गुरु नानक देव हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत हो गई। जानकारी देते हुए परिवार वालों ने कहा कि दो दिन पहले गुर्दों की बीमारी का इलाज के लिए दाखिल करवाया गया था, मगर डॉक्टरों ने समय पर इलाज नहीं किया, जिसका महिला ने पीड़ा को ना सहते हुए दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ जब पत्रकारों द्वारा वार्ड नंबर 1 का दौरा किया गया तो डॉक्टर मरीजों को छोड़कर खाने पीने और मोबाइल फोन पर व्यस्त पाए गए। वहीं वह पत्रकारों को देखकर वहां से इधर उधर चलते भी बने। दिन मंगलवार शामी 10 बजे इन्होंने इतने एमरजेंसी भर्ती करवाया, जिन्होंने डॉक्टर साहब उन्होंने इतने सारी रात रखा सू। तो दूजे दिन डॉक्टर बल वार्ड नंबर 1 मेडिकल सानू शिफ्ट करता। तो सानू कहते भी इन्हों का सवेरे इन्हों के गुरदे साफ कराने थले डॉक्टर साहब को, तो तुम करवा लो। जिन्हें जी डॉक्टर साहब को 5 बार मैं बार बार फाइल की मांग की, मांग करने के बावजूद इन्होंने मैंने फाइल नहीं दी, जो फाइल दी। तो डॉक्टर साहब कहते, जो डॉक्टर साहब मैंने कहते भी 2 बजे तो बाद आए जी। जब मैं 2 बजे तो बाद गया, कहते जी साडा टाइम पूरा हो गया, हम कल मैं गुरदे का पानी जरा क्या तो साफ कराने। उन्होंने मैंने जो 3-4 बजे हुआ, इन्होंने शुगर का टीका लाया मेरी सिस्टर को, तो इन्होंने उस टाइम डैथ हो गई। अज का ही एक ये जी मेरे वेखण के मैं पंजाब पुलिस का हैड कॉन्स्टेबल रिटायरमेंट हूँ। मैं ये अज मैं 24 घंटे इतने दौरान सिविल अस्पताल के दौरान रहने दौरान वेख्या कि जी सिस्टर की डेड बॉडी आ, ये 6वीं डेड बॉडी हैगी। जिम्मे कि यह जो इन्होंने स्टेटस रखा, इन्होंने मरीजों वास्ते रखा, सिर्फ डेड बॉडियां धोने वास्ते रखा। तो अज सवेरे जो एक होर भयानक मौका हो जी मेरे अखी वेखना, वार्ड नंबर 1 डॉक्टर बल दी जो एक परसों की डिलीवरी सी, वो बड़ा तड़फ दे रहे, उन्होंने को पैसे पूसे की प्रॉब्लम सी, डॉक्टर कहते पैसे मांग कर रहे। हूँ उस वे डॉक्टर साहब तो जी नर्सा है वो डॉक्टर थाली वाली ड्यूटी से लैके, तो मुड़के जो उन्होंने टेंडर से वो उन्होंने टेंडर से उन्होंने लंघ रहे। फिर उन्हें जी स्टाफ नर्स से उन्हें दसिया भी थले जो बच्चा वो थले वाली ओटी के बच्चा। मैं 5 बार डॉक्टर साहब के कोल गया कि डॉक्टर साहब जो नहीं तो मैंने जवाब दे, मैं प्राइवेट का पानी जरा कढ़वा लवा। पर डॉक्टर साहब ने कोई तसली बख्श मैंने जवाब नहीं दिता, कह लगे अब मेरा छुट्टी का टाइम हो गया, कल मैं 9 बजे पहले टाइम से आकर कर दूंगा, क्योंकि मेरी वार्ड का पेशेंट है। तो उन्होंने चेर जो इन्हों का टाइम खत्म गया, उन्होंने चेर इन्हों की मेरी सिस्टर की डैथ हो गई है। ये सारी जो भी कारण है डॉक्टर की वजह के कारण, ये कल तो लैके कल 10 बजे तो लैके अज शाम के 5 बज चुके हैं। 5 बजे तक मेरा 10,000 रुपया इन्होंने टैसटा से खर्च करवाता, तो मैंने फायदा जो 1 रुपये का नहीं होगा। मैं इस करके ये हेल्थ डिपार्टमेंट को मांग करनी चाहता कि मैंने पूरा विश्वास दवाया जाए कि मेरी जी मेरी हक रसी कराई जाए, क्योंकि ये जो मेरे सिस्टर के बच्चे भी बहुत हो रहे हैं, उन्होंने कौन जिम्मेवार है। नहीं पैसे की मांग नहीं कोई की, पर इन्होंने जिन्हें भी टेस्ट किए बिना पैसे तो कोई नहीं टेस्ट किया। डॉक्टर का नाम ही मैं जानता, डॉक्टर बाल की वार्ड के डॉक्टर ने, डॉक्टर कलीन सेब ने, डॉक्टर कलीन सेब ने जो गुरदे की जिन्हें अज 5 तरीक ड्यूटी उन्होंने लगी थी गुरदे साफ करने वास्ते, उन्होंने नाम ही मैं जानता। उन्होंने मैंने ठोक के जवाब दिता कि अब मेरा टाइम नहीं, मैं कल खाने। मेरा पिंड तो ब्यास लागे लखोवाल पिंड है जी, इन्हों का पिंड, ये मेरी सिस्टर है जी, इन्हों का पिंड वेरके के लागे मूढ़ल पिंड है जी। तो मैं ही इन्होंने लेके आया, इन्होंने बच्चे छोटे जी, मैं ही इन्होंने भर्ती करवाया, तो मैं ही इन्होंने इन्हों की डेड बॉडी लेके जा रहा। ये कल शाम के दाखिल 10 बजे, इन्हें डेथ कोई 4 साढ़े 4 बजे।